जी हाँ दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज 5 अप्रैल और 5 अप्रैल तक दान लिस्ट कितनी बड़ी हो चुकी है आपको इस वीडियो में जानना बेहद ही खास जरूरी है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री हो या अभिनेता, नेता, खिलाड़ी या फिर बड़ी बड़ी कंपनियों ने अब तक पीएम मोदी फंड के लिए कितना दान दिया है आज आपको पूरी लिस्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। दिए जलाए गए बड़े बड़े नेता अभिनेता सभी ने यहाँ पर सहयोग किया है। यहाँ पर अगर बात करें तो पीएम मोदी की मां ने भी यहाँ पर दिया जलाकर यह साबित कर दिया है कि कोरोना के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। इसी दौरान पूरे देश के अंदर जो है यहाँ पर दान लिस्ट भी सामने आ चुकी है। और दान की अगर बात करें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं चीनी बीमारी के खिलाफ, यहाँ पर अब पूरा देश एकजुट हो चुका है। उसके बीच ही यहाँ पर पीएम मोदी की माता ने भी यहाँ पर 25,000 रुपए का यहाँ पर डोनेशन दिया है। इसके अलावा अगर बात करें तो देश के अंदर सभी चर्चित नाम अब जो है लंबी लिस्ट होने वाली है, और अब तक की जो लिस्ट है वो काफी लंबी है और सभी के नाम आपको एक एक करके दिखाएंगे, जिसमें सलमान खान हो या फिर शाहरुख खान हो, यहाँ पर मन सिंह धोनी की बात करें, रोहित शर्मा की बात करें या बड़े बड़े दिग्गज, और यहाँ पर बड़ी इंडस्ट्री ने यहाँ पर दान दिया है। डी मार्ट के प्रवर्तक राधा कृष्ण दमानी ने जो है पीएम केयर फंड के लिए 155 करोड़ रुपए का दान दिया है। इसी लिस्ट में काफी बड़े यहाँ पर दिग्गज भी अब सामने आ चुके हैं। इसमें अगर बात करें तो वर्ल्ड बैंक ने भी अब हमारे देश के लिए यहाँ पर यानी भारत के लिए एक अरब डॉलर यहाँ पर मंजूर किए हैं, जिसका भारत के अंदर है। और इसी बीच अगर बात करें तो भारत के सभी यहाँ पर नेताओं के भी नाम यहाँ पर सामने आ चुके हैं, जिनमें अगर बात करें तो अब यूट्यूबर भी सामने आ रहे हैं, जिनमें अमित बड़ाना जो यूट्यूबर है उन्होंने भी अपना डोनेशन देश के लिए दिया है। इसके अलावा पीएम केयर्स फंड में LIC जो कंपनी बड़ी कंपनी, उसने 105 करोड़ रुपए यहाँ पर पीएम मोदी के लिए यहाँ पर फंड के लिए दान दिए हैं। टाटा समूह यानी 1500 करोड़ रुपए यहाँ पर दान मिले हैं, रिलायंस की तरफ से 500 करोड़ रुपए, पेटीएम की तरफ से 500 करोड़ रुपए और यहाँ पर विधाता समूह से 100 करोड़ रुपए दान रूप में सामने आ रहे हैं। के अलावा PFC की तरफ से 200 करोड़ रुपए, इंफोसिस यहाँ पर फाउंडेशन की तरफ से 100 करोड़ रुपए, भारतीय इंटरप्राइजेस की तरफ से 100 करोड़ रुपए, लक्ष्मी मित्तल समूह की तरफ से 100 करोड़ जो है अब तक जो दान लिस्ट सामने आ रही है। यहाँ पर JSPL की तरफ से 25 करोड़ रुपए, शेल की तरफ से 30 करोड़ रुपए और पतंजलि समूह यानी बाबा रामदेव की तरफ से जो कंपनियां वो है 25 करोड़ रुपए तरफ से दान के रूप में सामने आ रहे हैं। अब बात कर लेते कुछ चर्चित और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े बड़े अभिनेताओं की, क्या उन्होंने अब तक। सबसे बड़ा नाम यहाँ पर आता है अक्षय कुमार का, जिन्होंने 25 करोड़ का डोनेशन पीएम फंड के लिए दिया है। वहीं भूषण कुमार की तरफ से 12 करोड़ और यहाँ पर प्रभास जो कि यहाँ पर आपको पता होगा कि बाहुबली का किरदार कर चुके हैं, उन्होंने भी अपना हाथ बढ़ाया है और 4 करोड़ का फंड उन्होंने दिया है। इसके अलावा फैशन डिजाइनर अनिता ने तो यहाँ पर जो चीनी बीमारी उसको लड़ने के लिए 1.5 करोड़ रुपए की यहाँ पर भारी रकम दी। इसके अलावा सुरों की मल्लिका लता मंगेशकर ने भी 25 लाख रुपए का डोनेशन दिया है। इसके अलावा सलमान अक्षय के बाद इन सितारों ने दिया है डोनेशन, इसकी भी नाम दिखा देंगे आपको। और बात करें तो कोरोना के खिलाफ यहाँ पर बात करें तो बॉलीवुड सितारों में मौजूदगी दर्ज कराई चुकी है। इसके अलावा सुपरस्टार अक्षय कुमार ने तो 25 करोड़ का डोनेशन दिया ही, लेकिन सलमान खान का भी यहाँ पर नाम सामने आ रहा है, जिन्होंने 25,000 मजदूरों को आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। तो बॉलीवुड के दूसरे स्टार भी सामने अब एक एक करके सामने आ रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो विक्की कौशल ने भी पीएम केयर्स फंड और महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में 1 करोड़ रुपए का दान दिया है। इसके अलावा प्रियंका चोपड़ा और उनके पति निक जॉन ने 10 संस्थाओं को दान देने का ऐलान किया है। कटरीना कैफ ने भी इस मुश्किल समय में अपना डोनेशन का अनाउंस कर दिया है। हालांकि उन्होंने अपना डोनेशन कितना अमाउंट उन्होंने डोनेट किया इसका अब तक पूरी तरह से जानकारी नहीं है, लेकिन इंस्टाग्राम पर उनकी तरफ से डोनेशन की बात कही जा रही है। इसके अलावा बॉलीवुड के बेहतर लोकप्रिय डिजाइनर यानी शब्द सांची मुखर्जी पीएम राहत कोष में 1.5 करोड़ रुपए का डोनेशन उन्होंने इस महामारी के दौरान दिया है। तो दोस्तों ये कुछ बड़े नाम थे, अब कुछ और नाम आपको दिखा देते हैं, जिनमें अगर बात करें तो पवन कल्याण एक्टर जो है 2 करोड़ रुपए का डोनेशन उन्होंने दिया, कार्तिक आर्यन एक्टर जो है 1 करोड़ का, विक्की कौशल एक्टर 1 करोड़, रोहित शर्मा का नाम जो काफी चर्चित था 80 लाख रुपए का डोनेशन उन्होंने दिया है, सचिन तेंदुलकर यहाँ पर 50 लाख, इसके अलावा नाना पाटेकर जो 50 लाख का उन्होंने भी डोनेशन दिया है। इसके अलावा अगर बात करें तो सुरेश रैना का नाम भी उन्होंने 50 लाख यानी 52 लाख रुपए दिए, जिसमें उन्होंने 31 लाख रुपए जो है अपने पीएम केयर्स फंड और यहाँ पर 20 लाख रुपए उन्होंने
लगभग अपने सरकार को दी है। वरुण धवन एक्ट्रेस 30 लाख रुपए, बादशाह सिंगर जो कि 25 लाख रुपए उन्होंने दिए हैं। यहाँ पर ग्रो रकबा सिंगर ने 20 लाख रुपए, दिलीप जीत की तरफ से भी 20 लाख रुपए का नाम सुना। इसके अलावा बीसीसीआई चीफ जो कि यहाँ पर दादा के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने भी अपना डोनेशन 50 लाख रुपए दिया है। तो दोस्तों हमारे देश के अंदर काफी बड़े नाम है और काफी चर्चित है और काफी फेमस नाम अब इस लिस्ट में शामिल होते जा रहे हैं। जैसे जैसे ये लिस्ट आगे बढ़ती जाएगी आपको तत्काल इसकी सूचना मिले, तो इसलिए लिस्ट को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और आप अगर पीएम केयर्स फंड में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, पीएम केयर्स फंड में अपना सहयोग देना चाहते हैं, तो ये आपको डिटेल दे रखी है, इस डिटेल पर जाकर जो है अपना डोनेशन दे सकते हैं। और आपको क्या लगता है, चीनी महामारी जो है बहुत जल्द हमारे देश से हट जाए, तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिख दीजिए।